आसमान में कौन नहीं उड़ना चाहता, और इस उड़ान का मजा तब और दुगना हो जाता है जब जेब पर इसका असर ना हो। आजकल एयरलाइंस कंपनियां यही कर रही हैं, सीजन में सस्ते टिकट का सौगात बांटकर वो हवा में सफर कराना चाहती है। कोई एयरलाइंस में 100 रुपए में फ्लाइट से सफर का ऑफर दे रही है तो कोई 1000 रुपए में। लेकिन क्या ये सस्ते टिकट आसानी से मिले हैं, मुहैया हैं? इनके लिए आपको वेबसाइट पर लंबा इंतजार करते रहना पड़ता है, या फिर ऐलान के मुताबिक ही कंपनियां सिर्फ 100 रुपए में हवा में उड़ने का मजा देने के लिए तैयार हैं। हमने की इस सस्ते हवाई टिकट की हकीकत की पड़ताल। आसमान में होड़ मची हुई है सस्ते किरायों की। क्या बजट, क्या फुल सर्विस एयरलाइंस, हर कोई इस सीजन में सांता बना हुआ है। मकसद है ज्यादा से ज्यादा हवाई यात्रियों को अपने प्लेन में बिठाने का। सस्ते हवाई किराए का असर कुछ ऐसा है कि एयर इंडिया से लेकर जेट एयरवेज इस रेस में कूद पड़ी हैं। जेट एयरवेज ने सस्ते किराए की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें जेट एयरवेज से घरेलू यात्रा करने पर 250 रुपए और रिटर्न टिकट पर 500 रुपए की छूट मिलेगी। हालांकि इस छूट का फायदा उठाने के लिए आपको अपना टिकट मोबाइल से बुक कराना होगा। तो उधर जेट एयरवेज की होड़ करते हुए एयर एशिया ने भी 30 लाख टिकट सस्ती दर पर बेचने की घोषणा की है। इसके लिए आपको टिकट की बुकिंग 31 अगस्त तक करानी होगी। वहीं एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस के विलय को एयर इंडिया डे के रूप में मना रही है। इसके चलते एयर इंडिया ने 100 रुपए में टिकट ऑफर किया है। हालांकि टिकट में टैक्स अलग से चुकाना होगा। एयर इंडिया का ये स्पेशल ऑफर 27 से 31 अगस्त यानी 5 दिन तक लागू रहेगा। इस दौरान टिकट खरीदने पर यात्री 27 अगस्त से 30 सितंबर तक यात्रा कर सकेंगे। हालांकि बुकिंग एयर इंडिया के वेबसाइट से ही करानी होगी। सस्ते हवाई टिकट के ऐलान के बाद ही ट्रैफिक इतना बड़ा कि एयर इंडिया की वेबसाइट ही क्रैश हो गई है। वैसे सस्ते किराए की शुरुआत हमेशा की तरह स्पाइस जेट ने की थी। स्पाइस जेट से 1,888 रुपए में आप देश में वन वे कहीं भी सफर कर सकेंगे। स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको आज बुकिंग करानी होगी। इस सस्ती टिकट से आप 25 सितंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच ही सफर कर सकेंगे। इंडिगो में भी 1,887 रुपए में टिकट ऑफर किया गया है। इस टिकट पर 25 सितंबर से 15 जनवरी के बीच सफर किया जा सकेगा। ऐसी ऑफर्स के साथ ना एयरलाइन को एकदम कैश फ्लो मिल जाता है, और दूसरा एक पब्लिसिटी मिल जाती है। एक पब्लिसिटी गिमिक होता है, मार्केटिंग गिमिक जिसे कहते हैं, कि एकदम आप 12,000 की, 10,000 की, 500 की टिकट ऑफर करते हैं तो पूरी दुनिया वेबसाइट पर जाती है। तो उसमें वो दिखाते हैं कि ये तो बिक चुकी, अब उसके बाद की आ जाओ, उसकी बाद की आ जाओ, उसकी बाद में आ जाओ। तो अल्टीमेटली जाते हो 500 की टिकट के लिए, आते हैं 5,000 की टिकट लेके। तो इससे ना सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं एयरलाइंस की। जानकारों के मुताबिक एयरलाइंस में सितंबर तक पैसेंजर लोड कम रहता है, और चुनिंदा सीट्स सस्ते में बेचकर कंपनियां अपना मार्जिन सुधारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि सस्ते टिकट्स के चक्कर में क्रैश हुई एयरलाइंस वेबसाइट से आके टिकट कौन खरीदता है? कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? हवाई यात्रियों को अपनी ओर खींचने के लिए तमाम एयरलाइंस डिस्काउंट ऑफर्स की बरसात कर रही हैं, लेकिन इन ऑफर्स का फायदा बेहद सीमित लोगों तक ही पहुंच पाता है, और जो लोग इन ऑफर्स का फायदा उठा भी पाते हैं वो एयरलाइंस की वेबसाइट पर बहुत ही मुश्किल से अपनी टिकट बुक कर पाते हैं। कैमरामैन शेर सिंह के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया।